नमः शिवाय। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष बुधवार पंचमी तिथि रात्रि 11 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आज भी श्रवण नक्षत्र में दिन में 4:45 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी मंगल देव हैं। आज पूरे दिन के कार्यकाल में 4:45 तक चंद्रमा के नक्षत्र का फल कायम रहेगा। तत्पश्चात मंगल के नक्षत्र का फल प्रारंभ हो जाएगा। अतः प्रत्येक जातकों पर चंद्रमा और मंगल के नक्षत्रों का मिला जुला प्रभाव पड़ता रहेगा। हालांकि चंद्रमा की युति आज भी केतु के साथ मकर राशि में ही बनी रहेगी, मगर आधे दिन नक्षत्र चंद्रमा का और तत्पश्चात मंगल का नक्षत्र प्रभावी होगा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के साथ ही साथ तात्कालिक भावावेश में आना संभावित है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए त्वरित निर्णय लेने से बचें और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय उचित नहीं होगा। हालांकि व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति होती रहेगी, सरकारी कामकाज जारी रहेंगे, अधिकारियों का विभागीय सहयोग बना रहेगा, मगर वाणी की सौम्यता किसी काम को सुचारू ढंग से सफल बनाने के लिए आवश्यक होगी। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं, अप्रत्याशित घटनाओं का होना संभावित है। मेष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सक्रियता बनी रहेगी। आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के कारण संबंधित मामलों में मानसिक दबाव महसूस होगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। साझेदारी में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। अपेक्षा के अनुरूप सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी। संतान संबंधी चिंता महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मन मुताबिक रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और निजी निवेश की प्रेरणा बनी रहेगी। वृष राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। आय संबंधी मामलों में नए विकल्प दिखाई देंगे। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। प्रतियोगी भावना विकसित होगी और स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी, मगर कार्य योजनाओं के लिए तात्कालिक निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। पारिवारिक संबंधों में मधुरता कायम रहेगी और धार्मिक यात्रा या प्रवास संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। संतान संबंधी मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में मन लगेगा। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा 8वें घर में चल रहे हैं। मन में नकारात्मक विचारों का दौर जारी रहेगा और आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। कार्यों में विरोध का सामना करना पड़ सकता है, मगर साझेदारी के कामों में लाभ और कार्य योजनाओं के विकास में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है। साथ ही रचनात्मक कार्यों में निजी निवेश लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। भावनात्मक लगाव कायम रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। अनचाही यात्राओं का योग भी बनता है। सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। नवीन योजनाओं की शुरुआत होगी और कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक सफलता का उद्देश्य पूरा होगा। साझेदारी में भी लाभ संभव है। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में मन मुताबिक लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रयास जारी रखें। आपसी संबंधों के सकारात्मक तालमेल में कमी आएगी और वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। सिंह राशि के जातकों को प्रयासों में बल मिलेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और व्यावसायिक विकास का संकेत मिलता है, मगर साझेदारी के मामलों में सावधानी अपेक्षित है। निजी संबंधों में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र के प्रति विकास और रचनात्मक पहल करने के उद्देश्य में व्यस्तता बनी रहेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए आय संबंधी मामलों में वृद्धि होगी। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में बेहतर महसूस करेंगे। बौद्धिक क्षमता के साथ आर्थिक लाभ और निजी सुख संतुष्टि में वृद्धि होगी। व्यावसायिक उत्थान का संकेत मिलता है, मगर मां के स्वास्थ्य संबंधी चिंता लगी रहेगी और मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना संभावित है। हालांकि नई कार्य योजनाओं और व्यावसायिक उत्थान के उद्देश्य पूरे होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में निरंतरता बनाए रखें और साझेदारी के कामों में लाभ की संभावना बनती है।
तुला राशि वाले जातकों के निजी सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी, विकास और आवश्यक संसाधनों में सहयोग मिलेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों से लाभ संभव है, रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे और आर्थिक लाभ की स्थिति संतुष्टि दिलाने वाली होगी, मगर विचारों में उद्वेग और जल्दबाजी की भावना संभावित है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में सावधानी अपेक्षित है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का आत्मविश्वास सुचारू ढंग से चलते हुए कामों में मदद करेंगे, मगर अनावश्यक मानसिक चिंता और शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार के प्रति संजीदगी बनी रहेगी, विभागीय कार्यों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करेगा और मन मुताबिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी, निजी निवेश की योजनाओं का सृजन होगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा, प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों को प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति और कार्य ऊर्जा क्षेत्र के विकास को गति देंगे, आर्थिक लाभ की स्थिति बरकरार रहेगी, चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना कुछ मामलों में लाभदायक स्थिति पैदा कर सकता है, कुछ कामों में पारिवारिक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे, सरकारी कामकाज अनुकूल रहेंगे, विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मकर राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, घर गृहस्थी में तनाव, विचारों में भिन्नता और अपव्यय का संकेत मिलता है, कार्य क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और नई कार्य योजनाओं के लिए विभागीय सहयोग बना रहेगा, आपके प्रयासों में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी कायम रहेगा, साझेदारी लाभदायक रहेगी, आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलेगा, विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा, मगर धैर्य और संयम के साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है, आर्थिक लाभ के कई अवसर विकसित होंगे, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे, हालांकि विभागीय अधिकारियों का सहयोग भी आपकी कार्य क्षमता को सुधारने वाला होगा, आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरतनी चाहिए, कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में अनावश्यक यात्रा के साथ रुकावट या वाद विवाद की संभावना भी बनती है, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संघर्ष वाला होगा, मगर सफलता मिल सकती है, प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि के जातकों को आय संबंधी मामलों में नए मार्ग का सृजन होगा, निजी निवेश और कार्य क्षेत्र से संबंधित संसाधनों में लाभ की स्थिति संभावित है, कार्य योजनाओं की धीमी गति में सुधार की जरूरत होगी, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन के नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए, वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, सफलता के लिए प्रयास जारी रखें और संतान संबंधी मामलों में चिंता और अनावश्यक यात्रा का संकेत भी मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।